ऐलान कर चुके हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़िएगा? लगभग बहुमत का जो आंकड़ा पार होता है उतनी सीटों पर लड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी तैयारी की समीक्षा करेंगे। आज लगभग नहीं करने से 1000 के आसपास जनसभाएं हुई, 19 जिला 5 प्रमंडलों में हुई। तो हम लोग एक बार समीक्षा करेंगे कि हमारा जो सभा जो भीड़ बन के आए थे वो वोट में तब्दील करने के योग्य कहाँ कहाँ है, वहाँ हम लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ 2024 के चुनावी समर में उतरने का कार्य करेंगे। 24 में जयराम धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जनता तय करेगी। मैंने पहले कहा हम लोग थोपा वाली लीडर नहीं बनेंगे, जनता जहाँ से बुलाएगी हम लोग वहाँ से आएंगे। देखिए, इनडायरेक्ट रूप से हमने सभी लोकसभा सभी विधानसभाओं को संदेश दे दिया है और लगभग हम लोग हर जगह उदाहरण देते हैं। चाहे 60-40 की नीति हो तो केवल एक लोकसभा के लिए नहीं है, 1932 का खतियान की बात हो तो एक लोकसभा के लिए नहीं है। चूँकि जहाँ सभाएँ होती हैं मैक्सिमम वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आपको कम से कम जो लोग आए हैं उन्हें आपको वोट में तब्दील करना होगा। बाकी फिर जहाँ जहाँ हमारी अधिवेशन सभाएं होंगी वहाँ उस समस्या के अनुसार बातें रखी जाएगी। देखिए, चूंकि आंदोलन का आगाज धनबाद बोकारो से हुआ था तो धनबाद बोकारो में हम लोग बैरमो को चयन कर रहे थे क्योंकि बैरमो हमारा बीच का जगह पड़ता है, या नावाडी को चयन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच चर्चा हुई कि नहीं, विनोद बाबू उन्होंने 1972-73 में बदलाव के लिए किलकारी गुंजाने के लिए एक स्थापना किया था। आज 50 साल हो गए तो हमने विनोद बाबू की विचारधारा, कॉमरेड एके राय की विचारधारा इस माटी में जुड़ी है। यहाँ के कण कण में, यहाँ के रग रग में, यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ की हवाओं फिजाओं में उनकी विचारधारा है। दोनों की जो विचारधारा है वो समाजवाद साम्यवाद की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, कैपिटलिज्म के विरोध विपरीत जाकर एक विचारधारा को स्थापित करती है जो एक आम व्यक्ति के विकास के लिए उन्नति के लिए सोचती है। तो हमें लगता है उस विचारधारा से बेहतर और कोई विचारधारा नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने विनोद बाबू की जन्मभूमि और कॉमरेड एके राय की कर्मभूमि को चुनने का काम किया है। दादा, बहुत से लोग आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है भाषा खतियान के नाम पे राजनीति, मतलब आपने शुरुआत की और अब राजनीति में उतरना आपका मेन मकसद था? जी नहीं, मेन मकसद ना था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। अभी भी समय है। यदि गवर्नमेंट हम लोग को कमजोर करना चाहे तो अगले जो सत्र आए उसे पारित कर दे, हम लोग खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे, गवर्नमेंट सारा श्रेय ले लेगी। इसलिए ऐसी कोई मंशा नहीं है। आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं सभी पढ़ने वाले नौजवान हैं, दर्द को समझते हैं, 60-40 की पीड़ा को समझते हैं, नौकरियों को बेचने की पीड़ा को समझते हैं, हमारी जमीनों को गलत तरीके से अधिग्रहण करने की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए आज पॉलिटिक्स के और जाने का कष्ट कर रहे हैं। दादा, जितने भी पार्टियां हैं अभी झारखंड में एक्टिव, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सभी के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, पैसों से मतलब वो लोग वोट खरीद के कुछ भी कर सकता, तो ऐसे में आप कैसे एक्सेप्ट कीजिएगा उस चैलेंज? मेरा मानना है कि हम लोग जैसा आज का अधिवेशन हुआ जी, जब ऐसा अधिवेशन प्रत्येक विधानसभा में होगा तो मुझे लगता है एक बदलाव की उम्मीद हम लोग देखेंगे। तो अगला अधिवेशन कहाँ हो सकता है दादा? चर्चा ये चल रही है, राजधानी में होगी या तो फिर कोल्हान के क्षेत्र में होगी या फिर पलामू प्रमंडल में होगी, क्योंकि पलामू प्रमंडल भोकाल टीवी का घर है। भोकाल तो खूब मचाते हैं लेकिन पलामू प्रमंडल में हम लोग भोकाल नहीं मचा पाए हैं, बिल्कुल मचाइएगा। इसलिए हम लोग पलामू प्रमंडल की दिशा में बढ़ेंगे। लोकसभा हमारा वार्म अप होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।